आप भारतीय सेना या अन्य सुरक्षा बलों में आप भर्ती होना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए खास है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऑफिसर्स और सोल्जर्स के लाइव वीडियोस हम आपको लाते हैं और लाइव भर्ती के वीडियोस हम आपको बताते हैं, लाइव सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में आपको बताते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्कोस या समुद्री कमांडो भारतीय सेना का एक विशेष बल है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस का परीक्षण इतना व्यापक होता है कि इसका इस्तेमाल आतंकवादी ऑपरेशन से लेकर नेवी ऑपरेशंस और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में तो इनको अमेरिकन नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। तो ये हम सब हिंदुस्तान वासियों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो एक लाइक तो मार्कोस कमांडो के नाम की बनती है और एक लाइक आप जरूर करें। इनका मोटो द फ्यू ऑफ द फियरलेस, ये इनका मोटो होता है। सेना के 1000 सैनिक में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो की गिनती में आते हैं। इस संगठन में शामिल होने के लिए लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें, 10th 12th या फिर ग्रेजुएट लेवल पर आप सेना में भर्ती होने चाहिए। उम्र की बात करें, 20 साल तक के युवा या फिर 20 साल के युवा इस भर्ती को देख सकते हैं, मार्कोस कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विकिपीडिया, विकिपीडिया के अनुसार। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में। मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको पहले नौसेना में भर्ती होना होता है। आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हो सकते हैं, 10th लेवल, 12th लेवल या फिर ग्रेजुएट लेवल, MR, NMR या फिर SSR या फिर ऑफिसर्स एंट्री से। फर्स्ट आपको ज्वाइनिंग करना होता है, उसके बाद आप मार्कोस कमांडो के लिए आवेदन कर सकते हैं। मार्कोस कमांडो के लिए आवेदन करने के लिए 3 दिन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें कि आपका फिजिकल टेस्ट और आपको रिटन टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। एक मार्कोस कमांडो के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए सिलेक्शन हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। 3 दिन तक चलने वाली योग्यता परीक्षा और शारीरिक फिजिकल फिटनेस टेस्ट में लगभग 80% नौसेना के जवान फेल हो जाते हैं। इसके बाद 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा का दौर शुरू हो जाता है, जो कि इतना कष्टदायक होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में कैंडिडेट को सोने नहीं दिया जाता, भूखा रखा जाता है और कष्टी कठिन परीक्षण कराया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाते हैं उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है और जो जवान अंतिम तक टिके रहते हैं उनका चयन किया जाता है। मार्कोस की वास्तविकता ट्रेनिंग 2.5 साल की होती है, 2.5 साल तक चलती है और 6 महीनों की फॉरेन ट्रेनिंग चलती है, जो कि टोटल इनका ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 साल का होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।